एगलेस मेयोनेज आज हम बनाएंगे बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से, पूरे साइंटिफिक टेक्निक के साथ, जिससे वो हर बार थिक और क्रीमी बने। मेयो बनाते वक्त सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जार कौन सा यूज़ करें। मेरे पास दो जार्स है, ये जार बहुत छोटा है और अंदर से चौड़ा है। जो दूसरा जार है ये लंबा है बट इसके अंदर की विड्थ यानी चौड़ाई कम है। हम पतला जार यूज़ करते हैं ताकि जब हम जार में मिल्क डालें तो जार के ब्लेड्स पूरी तरह से कवर हो जाएं, जो छोटे जार में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तभी लोग हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हैं, बट मैं मिक्सर में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि सबके पास हैंड ब्लेंडर नहीं होता, तो हम ये वाला जार यूज़ करेंगे। मेयो बनाने के लिए दो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठंडा दूध और ऑयल। इनको मिक्स करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है फैट और वाटर को मिक्स करना। यहाँ फैट ऑयल है और वाटर मिल्क, बिकॉज मिल्क में 87% वाटर कंटेंट होता है। और जब आप इन दोनों को इमल्सिफाई करते हैं यानी मिलाते हैं तो मेयोनीज बनती है, उसे हम बोलते हैं इमल्शन। मिल्क में कैसीन और वे होता है जो इमल्सिफायर्स होते हैं, इसका मतलब ये वो तत्व हैं जो वाटर और ऑयल को कंबाइन करेंगे जिससे आपकी मेयो बनेगी। सबसे पहले हम जार में डालेंगे बहुत ही ठंडा दूध, उसी के साथ पाउडर्ड शुगर और सॉल्ट। अब हम कुछ सेकंड्स के लिए इसको ब्लेंड करेंगे। सॉल्ट और शुगर फ्लेवर देगा, आप उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें डालें ऑयल। ऑयल को हमें तीन बैचेस में डालना है, आप इसको एक साथ नहीं डालें। इसी के साथ इसमें जाएगा वाइट विनेगर, ये फ्लेवर का काम करेगा और प्रिजर्वेटिव भी है। इसी के साथ इसमें डालेंगे डिजॉन मस्टर्ड, इसमें इमल्सिफायर्स होते हैं। तो अब आप इसको पल्स करें एक साथ, बहुत लंबे टाइम के लिए ब्लेंड नहीं करें, कुछ सेकंड्स के लिए आप 8 से 9 बार पल्स करें। ऑयल को हम 3 बैचेस में डालते हैं ताकि ब्लेंडिंग के वक्त थोड़ा थोड़ा ऑयल मिल्क में मिक्स होता जाए। अगर आप एक साथ ऑयल डालेंगे तो ऑयल मिल्क में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा और वो ऊपर तैरने लगेगा। अब आप देखें, मैंने इसे 7 से 8 बार पल्स किया है। इसके बाद अब मैं डालूंगी सेकेंड बैच ऑफ ऑयल और इसको भी अब हम दोबारा ब्लेंड करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से अपनी मेयो बनाएंगे तो हर बार वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये अब आप देखें, अब इसका जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे क्रीमी होने लगा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे फाइनल सेट ऑफ ऑयल और फिर से एक बार हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप ध्यान रखें, कुछ सेकंड्स के लिए हमें पल्स करना है। तो आप देखें, मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी, बहुत ही थिक और क्रीमी बना है। कोई नहीं कह सकता कि ये एगलेस मेयोनीज है, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है विद द राइट अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आप देखें, अगर आप साइंस को समझेंगे रेसिपी के पीछे की, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपको आज की ये मेयो रेसिपी पसंद आई है, आज हमने थोड़ी साइंस की बात की है इस रेसिपी में, अगर आपको वो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाऊंगी।